नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिकेशन चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम पढ़ रहे हैं सिंपलीफिकेशन के बारे में और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस मैथ के इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया है सिंपलीफाई 2 3/4। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, लंबा क्वेश्चन है, मैं पढ़ता नहीं, आपने पढ़ लिया। ये CGL 2003 में आया हुआ है। सॉल्व करते हैं। 4 2 8 और 3 11 11/4, ठीक है। मल्टीप्लाई ये 6 से वो ऊपर आ जाएगा, 6 कम 6 5 11 इतना बनेगा, डिवाइडेड बाय 7/8 मल्टीप्लाई, सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, तो 4 3 12 4 और 3 7 इतना आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई ये वाली बात। प्लस अगला स्टेप आ जाओ, 5/7 डिवाइडेड बाय 3/4 और मल्टीप्लाई बाय 3/7। यहाँ देखते हैं, 11 से 11 गया, 2 2 4 2 3 6 तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 8/7। डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो जो है हम उसको उल्टा कर देते हैं, 8 ऊपर 7 नीचे और मल्टीप्लाई बाय 7/12। प्लस यहाँ पे आ जाओ 5/7 और पहले करेंगे सॉल्व इसको, तो ये 7 चौक 28 ऊपर और फिर 3 3 9 नीचे। बात समझ में आ रही है? तो 7 4 20 8, 3 चौक 12, 4 2 8, 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, मतलब कि इधर तो बच गया 1। प्लस इधर कितना आ जाएगा ये 28, 7 चौक 28, तो 5 चौक 20/9, ठीक है ना, ये वाला 9, तो 5 चौक 20/9, तो मतलब 1 + 20/9 कितना आएगा 29/9। कहाँ बन रहा है 29/9? ये बन रहा है डी ऑप्शन में, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सिंपलीफिकेशन ऑफ दिस अप टू 3 प्लेस। दोस्तों क्वेश्चन स्टेप से हैं बड़े बड़े, तो जब घबराना नहीं है, यहाँ पर सारे प्लेस हमें नहीं एक्सपेंड करने हैं, केवल पहले 2 प्लेस हम एक्सपेंड करेंगे। 1/8, 1/8 की वैल्यू क्या होती है 0.125 और 1/8² क्या वैल्यू होती है इसकी 0.015625। ऐड करते हैं 5 2 6 5 5 10 4 1, तो पॉइंट के बाद 1/4 जिस ऑप्शन में आ रहा है वो आपका आंसर है। पॉइंट के बाद 1/4 ए ऑप्शन में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर है। 2 प्लेस तक एक्सपेंड करना पड़ा हमें, ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको दिया है 0.83 बार डिवाइड बाय 7.5, 2.321, 2.1 के ऊपर बार है, माइनस 0.098 के ऊपर बार है। दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले तो हमें बार सॉल्व करने चाहिए। क्या होगा 83 - 8 / 19। अब ये कैसे आ गया भाई, ये तरीका है। आपको दिया 83, 3 के ऊपर बार रखा है, तो 83 लिखो पूरा का पूरा ऐसी एज इट इज। माइनस का जिस पे बार नहीं है वो माइनस कर दो, डिवाइड बाय जितने पे बार है उतने 9 आएंगे, जितने के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है ना, केवल 3 है, तो 3 के ऊपर बार है, 3 मतलब कि एक के ऊपर बार है 9, उतने 9 लिख देंगे, एक 9 आ गया। जितने के ऊपर बार नहीं उतने 0 आ जाएंगे, एक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 आ गया। बात समझ में आई? डिवाइडेड बाय 7.5। अब नीचे आ जाओ, 2.321 और 2 के ऊपर बार है, तो लिख दे 2 + 3 2 1 - 21, ये तो ऊपर वाला स्टेप हो गया। डिवाइड बाय अब है 2 के ऊपर बार, मतलब कि 2 बार तो 9 आ जाएगा, 1 के ऊपर बार नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। माइनस इधर आ जाओ भाई, 98 - 0, बात समझ में आ गई, डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर 12, मतलब कि 2 बार 9 आएगा और 0 आ जाएगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करते हैं कितना आएगा भाई, देख लेते हैं। वैसे तो सॉल्व करना चाहिए आपको, ठीक है भाई, 83 - 8 कितना आ जाएगा बताइए, 75, तो 75 डिवाइडेड बाय 90 और मल्टीप्लाई 1/7.5, ये हटाया 0 यहाँ पर आ गया, इससे कट गया ये, मतलब इसको सॉल्व करके तो 1/9 हमारा आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, कितना आएगा ये 300 तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये सॉल्व हो जाना चाहिए। इसका आंसर जो है मैं बता रहा हूँ आपको, कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा लगभग 0.05। डी इसका आंसर है, ये सॉल्व आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करना, मैं सॉल्व करके बता दे करूँगा इन क्वेश्चन को। मेन जो इसमें ट्रिक थी वो ये थी कि जे कि हमें जो ये बार वाले हैं ये जल्दी हमें कैसे लिखने हैं,
बिना कैलकुलेट किए हुए। तो वो तरीका ये है, ये सिंपल फ्रैक्शन में हम ले आए हैं इसको, इसके बाद सॉल्व करना जिम्मेदारी आपकी बनती है। लेकिन अगर कोई दिक्कत अगर आपको आती है सॉल्व करने में भी, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।